नासिर आप सुन पा रहे हैं इस वक्त हमें? नारायण घर की आवाम के साथ में आप मौजूद हैं, काफी सारे लोग आपके साथ में मौजूद हैं, कहीं पर थोड़े से चेहरों पे उदासी भी है तो कहीं पर मुस्कान भी नजर आ रही है। लोगों से जाने क्या कुछ हाल है यहाँ का? बेहद शुक्रिया पूजा। और रही बात चेहरे की मुस्कान की, तो हालात ऐसे भी हो जाते हैं क्योंकि जब नेताओं के वादे होते हैं तो चेहरे पर मुस्कान आती है, और जब वादे पूरे नहीं होते तो लोग मायूस भी हो जाते हैं। एक बार फिर से चुनाव का माहौल, एक बार फिर से नेताओं के वादे हैं, एक बार फिर से उम्मीदें बढ़ाई जा रही हैं, एक बार फिर से जनता मजबूर है वादों पर यकीन करने के लिए। जनता टीवी के जीरो ग्राउंड का ये सफर नारायणगढ़ पहुंच चुका है, अंबाला के अंदर आता है नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र, और यहाँ से रामकृष्ण गुर्जर यहाँ से विधायक है, कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। अब यहाँ की जनता से अगर बात करें कि यहाँ की समस्या क्या है तो सिलसिले को शुरू करते हैं। अगर नारायणगढ़ की समस्याओं की मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले क्या क्या यहाँ पर समस्याएं हैं और उन समस्याओं का कितना समाधान हुआ? समस्याएं तो यहाँ बहुत हैं। सबसे बड़ी समस्या तो बेरोजगारी की है शहर में। हमारे विधायक जो है कोई भी बड़ी इंडस्ट्री नहीं ला चुके हैं, और सबसे बड़ी जो मुद्दा है सरकारी नौकरियों में यहाँ पर बहुत भेदभाव हुआ है। और नारायणगढ़ में जैसा कि रामकृष्ण गुर्जर जी ने यहाँ पे वादे किए थे नहरी पानी के, और यहाँ पर रेल जो ट्रेन सबसे बड़ा मुद्दा है, जो सबसे पहले कांग्रेस के शैलजा यहाँ पे नाकाम रही है, और अब बीजेपी वालों की भी सेंटर में 100 दिन हो चुके हैं और उसको भी वो कामयाब करने में पूरा नहीं रहे हैं। और नहरी पानी एक विशेष जो मुद्दा है जो यहाँ पर लाने के लिए कहा गया था, और दूसरे मुद्दे जैसे ITI वगैरह, और सरकार ने बहुत जो वायदे किए थे सब ट्रेजरी वगैरह के आसपास के एरिया में। और एक मुख्य मांग है नारायणगढ़ को जिला बनाने की, जो यहाँ पर अभी किसी भी राजनीतिक दल द्वारा जो है पूरी नहीं की गई है। ये यहाँ पर मुख्य मांग जिला बनाने की, बहुत सारे वादे किए गए थे, वादे पूरे नहीं किए गए, नहरी पानी लाने की, रेल लाइन बिछाने की, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है यहाँ। तो ऐसा है कि अगर हमारे सिविल हॉस्पिटल में एक पेशेंट को अगर टांका भी लगाना पड़ जाए उसके लिए भी रेफर कर देते हैं PGI में। MLA नाम का सिर्फ MLA है, करता कुछ नहीं है। जो लोग इनको जानते हैं पहचानते हैं उनका ही काम करता है। सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है नारायणगढ़, और सब ये विधायक की मेहरबानी है। अब यहाँ पर जो आने वाले समय में हरियाणा जनता कांग्रेस का बहुत ज्यादा जोर है। वो पार्टियों की बात की जाती है, बड़े बड़े बातें की जाती है, लेकिन लोगों को अक्सर नेताओं से मायूसी ही मिलती है। जो नेता नकारा होते हैं, जो यहाँ पर रहे ही नहीं है नारायणगढ़ के अंदर, मैं कहूँगी हरियाणा का सबसे पिछड़ा हुआ हमारा क्षेत्र है। जो वादे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, रामकिशन ने यहाँ लोगों से किए थे, एक भी वादा यहाँ पूरा नहीं हुआ है। आज भी नारायणगढ़ के अंदर सिर्फ 2 होटल हैं, वो मुश्किल से, और यहाँ बेरोजगारी, ITI, लड़कियों के कॉलेज की बात, नहरी पानी जोड़ने की बात, इंडस्ट्रियल जोन बनाने की बात, सब में कांग्रेस पार्टी फेल हुई है। और तभी जाके कांग्रेस की वो हालत हो गई है, 20-30 साल इसका कोई नाम लेने वाला नहीं। एक अहम बात आती है कि अगर हरियाणा की बात की जाए तो हर इलाका अपने आप को सबसे ज्यादा पिछड़ा मानता है, हर इलाका कहता है कि उनके साथ भेदभाव ज्यादा हुआ है। अगर बात की जाए तो नंबर मिलने चाहिए कि कौन सबसे ज्यादा पिछड़ा, क्योंकि सबको लगता है कि वो सबसे पिछड़े हैं। नारायणगढ़ बहुत ज्यादा पिछड़ा है नारायणगढ़ जी। हाँ जी, मैं रामकृष्ण कह गए थे जी, शिव कॉलोनी में मंदिर बनेगा शिव शंकर का, वहाँ बनानी तक जी मैं वादा कर गए थे, पूरा होया नहीं है जी उनका वादा। हाँ जी जी, आप कुछ कह रहे थे? इस हल्के में का जो विकास यहाँ भजन लाल जी के टाइम में आया, उसके बाद यहाँ किसी का विकास नहीं हुआ। जो युवाएं लगे भजन लाल जी के टाइम में लगे, कॉलेज इंडस्ट्रीज कॉलेज वगैरह जो भी है, पुल नदियाँ के लगे, वो भजन लाल जी के टाइम में लगे। उसके बाद तो यहाँ से 96 से बंसीलाल के राज थे और चटाला जी तक उड्डा तक कोई विकास नहीं हुआ, कोई अंग नहीं लगा। और अब कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत पिछड़ा है हर लिहाज से, क्या शिक्षा के मामले में पिछड़ा हुआ आपका इलाका? हाँ जी, यहाँ पर शिक्षा के, यहाँ पर बहुत सरकारी स्कूलों की बात की जाए कैसा माहौल है यहाँ? बहुत पिछड़ा हुआ है यहाँ पर, कोई टीचर नहीं है कोई पढ़ाने के लिए, जो भी टीचर हैं वो छुट्टी होते हैं, और जो कुछ टीचर स्कूल में आते हैं तो ऐसे ही छुट्टी पे बैठे रहते हैं टीचर में। आपसे जानना चाहूँ, जिस तरह से देखा जा रहा है बहुत सारे मसले यहाँ पर लोग बता रहे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, मुद्दे बहुत बने रहते हैं, नेता आते हैं वादे करते हैं फिर चले जाते हैं फिर नजर नहीं आते। भाई साहब, नेता तो सब हमने देख लिए, अब की बार कुलदीप की बारी है। कुलदीप, इसलिए बारी किसकी है, लेकिन आपसे मैं जानना चाहता हूँ, कोई किसी की बारी, कोई किसी की बारी, अब की बार इसकी सरकार उसकी सरकार, जनता क्या चाहती है? जनता तो काम करने के लिए कहते हैं जी सारे, वैसे तो कोई सा भी नहीं पूरा करेगा, चाहे जितना मर्जी कोई कहता रहे, कैसा कोई बात नहीं है। बाकी आप देखो, काम कराने की तो सभी बोलते हैं कि हम काम कराएंगे, किसी से उम्मीद है? सर उम्मीद है अब की बार BJP से। चलिए, BJP काम करेगी, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ। आपसे जानना चाहूंगा, नेता एक बार फिर से आना शुरू हो गया, सभी वादे करते हैं, कहीं कहीं तो लोगों को फोटो दिखानी पड़ती है विधायक की, कहीं विधायक ऐसे भी होते हैं कि लोगों के बीच में जाते हैं, यहाँ क्या माहौल नजर आया? नारायणगढ़ में
शुरू से ही ये बहुत पिछड़ा क्षेत्र रहा है। जैसा उदाहरण है जहां हम खड़े हैं जगह पे, वहां भी गंदगी के अंबार लगे हुए हैं जो कि वो मेन स्थान है नैनगढ़ का। तो इस बार पहली दफ़ा ऐसा जचता है कि भाजपा जो है वो पूरे दमखम के साथ चुनाव में आ रही है और हमें पूरा यकीन है कि हमारे जो कैंडिडेट हैं। ये पार्टी की बात हुई, भाजपा रही हर पार्टी सरकार बनाने का दावा करती है। एक देखिए, हमारे क्षेत्र में नारायणगढ़ में रेल की बात 1956 से चल रही है, कोई सफल नहीं हुई, परंतु जो सड़कें मेन बनी है जैसे पंचकुला से जगाधरी के लिए 1956 के बाद से 1966 के बाद से सभी सरकारें रही, किसी ने कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया। फिर कौन करेगा, किस पर यकीन है? जनता पार्टी पे यकीन है जी, हम करो जनता, भारतीय जनता पार्टी पे यकीन है जी। चलिए आपसे जानना चाहता हूँ, सारी सरकारें रही, चाहे इनेलो की बात की जाए, बीजेपी की बात की जाए, वो भी किसी न किसी रूप में रही, कांग्रेस रही, जनता को तो कुछ नहीं मिलता, जनता को सिर्फ वादे मिलते हैं क्या? वादे ही मिलते हैं, अब हुआ कुछ नहीं अभी तक। यहाँ पे कांग्रेस की सरकार रही 10 साल हुए, अभी कुछ नहीं, ना कोई ITI है यहाँ पे आई, ना कोई बड़ी ट्रेन लगी और ना ही कोई ऐसा रोजगार मिला जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिल सके। रोजगार मिल सके, यहाँ के विधायक ने बहुत सारे वादे किए थे, क्या वो वादे पूरे हुए? पिछले 10 साल में यहाँ की जनता को अगर कुछ मिला है तो वो खाली और खोखले वादे मिले हैं। 5 साल पहले शैलजा जी ने एक वादा किया था कि मैं अगले 5 साल में रेलवे लाइन यमुनानगर से लेके नारायणगढ़ से होते हुए चंडीगढ़ तक लेके जाऊंगी, लेकिन वो वादा खाली कागजों में रह गया। वादा तो छोड़ो, वो खुद भी भाग गई, रेल की सीटी सुनाई नहीं, ना मतलब विकास हुआ रोहतक का, रोहतक विकास हुआ, किसी ने विकास किया यहाँ तो आए वोट लिए चले गए, इसको अनदेखा किया गया नारायणगढ़ को। बिल्कुल 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 बिल्कुल, यो तो यहाँ तो बिल्कुल मतलब किसी को रोजगार भी नहीं मिला है, और यहाँ का जितना भेदभाव है अभी जिसका कोई मतलब यहाँ तो मिली कुछ 10 साल लम्बा। चलिए रोहतक का विकास हुआ, ये एक बात और आती है, रोहतक का विकास हुआ, रोहतक वाले कहते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला। आपसे मैं जानना चाहूँ कि नारायणगढ़ में समस्याएं बहुत है, बहुत पिछड़ा मानते हैं यहाँ के लोग इस इलाके को। लैंड का एक एरिया ऐसा है बैकवर्ड, तो पहले मान लगा गरीबी, जो हमारे बच्चे जैसे 10 साल का शासन रहा मेरे कांग्रेस का, जो बच्चा आज 22 साल की उम्र किससे नौकरी शुरू होती है उसकी, अपने जो तख्ते बस्ता रहता है सरकार, उसके पैसा तो है नहीं है, नौकरी उसको मिलती है 10 साल शासन में, 32 साल की उम्र होगी उसको नौकरी है, बेरोजगार होगी बच्चे, और कोई मतलब भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हो गया इस कांग्रेस के राज में। चलिए नौकरियां नहीं मिलती, सड़कें खराब हैं, पानी की व्यवस्था कैसी है, स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं यहाँ? पानी पूरी कुछ नहीं है जी, हाँ जी कुछ नहीं है, बीजेपी सरकार आवागा फिर होगा सारा जी। स्वास्थ्य सेवा का तो इतना बुरा हाल है कि डॉक्टर भी नहीं मिलते सरकारी हॉस्पिटल में, और पानी की व्यवस्था का इतना बुरा, जगह जगह गड्ढे खुदे पड़े हैं, जहाँ मर्जी जाके देख लो पानी नाम की तो चीज ही नहीं है, पानी नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। पानी वानी मिलता है यहाँ पर? कुछ मिलता है? नेता कहते हैं कि बहुत सारे वादे किए, नेता कहते हैं कि आपके सारे काम कर देंगे, कुछ काम पूरे हुए? जी हम चाहते हैं जो सरकार ऊपर है। अच्छा, ऊपर वाली सरकार नीचे क्या करेगी फिर? कुछ तो करेगी ना वा? पहले भी ऊपर थी सरकार, नीचे वाली सरकार ने कुछ नहीं किया क्या? नहीं, अब की बार करेगी बीजेपी, करेगी पानी का, करेगी समाधान, करेगी सारा अच्छा काम करेगी। कैसे होंगे सारे समाधान? समाधान करने के लिए तो हर नेता कहता है कि मैं सबसे ज्यादा काम मैं करूंगा, बीजेपी कर सकती है इसका समाधान। आपसे जानना चाहूँ युवाओं को, यहाँ के युवाओं को क्या मिला? कुछ नहीं मिला यहाँ पे युवाओं को। क्या चाहते हैं आप लोग? अब नौकरी चाहते हैं यहाँ पे सभी युवा चाहते हैं। सरकारी नौकरी कैसे दे सरकार सब? किसको दे रही है? रोहतक साइड के सब लड़कों को दे रही है हुड्डा सरकार, लेकिन यहाँ के एरिया के लड़के किसी को नौकरी नहीं दे रही है जी। यहाँ पे हर एक बच्चा, कोई MA है, कोई MTech है, कोई BTech है, ट्यूशन पढ़ के 70% से ऊपर रखता है, लेकिन नौकरी लग जाते हैं 60% से नीचे वालों को। ये कौन सी वो है बताओ, सिविल के JEE सब रोहतक के लग रहे हैं, यहाँ पे ड्राइवर तक रोहतक का लग रहा है, हम ऐसे बाइक के दड़पते रह गए बताओ। चलिए एक सवाल ले लेते हैं, एक सवाल मेरी सहयोगी पूजा भी करना चाह रही है जी, सवाल पूजा पूछिए। नासिर, बहुत ज्यादा नाराजगी लोगों के अंदर बनी हुई है, लेकिन एक बात जरूर समझने की कोशिश हम लोगों से करना चाहेंगे, हर तरफ तो ये आवाजें सामने आती है जहाँ पर विपक्ष के विधायक है कि विपक्ष के विधायक इसलिए कुछ नहीं कर पाए क्योंकि वो विपक्ष में है, लेकिन यहाँ सत्ता पक्ष के विधायक है फिर भी कुछ काम नहीं कर पाए, इसकी वजह लोग क्या मान रहे हैं? बेहद शुक्रिया पूजा, जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये अहम बात है और इसको हम जानना भी चाह रहे थे कि विपक्ष के विधायक हैं और विपक्ष के विधायक कहते हैं कि सरकार उनके साथ अनदेखी करती है, लेकिन यहाँ पर सत्ता पक्ष के विधायक हैं, उनसे क्या उम्मीद, उनके उनकी मजबूरी अगर वो बताते हैं तो यकीन करोगे आप? सर जी, यहाँ पे इंडियन नेशनल लोकदल की ही लहर है, और जब से जो काम चौटाला राज में हुआ है वो बहुत बढ़िया हुआ है जी, चौटाला साहब की जिंदाबाद, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ जी, यहाँ का विकास सिर्फ चौटाला साहब ही कर सकते हैं, बाकी कोई पार्टी नहीं। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बीजेपी के अलावा कोई विकास ही नहीं कर सकता। बहुत जी बात ऐसी है, अभी हमारे का तो 10 साल में एक बड़ा GC ने भेजा था जी, वो हमारा कैंसिल कर दिया 108 नंबर। मैं बड़े गांव से बोल रहा हूँ, मोहनलाल मेन प्रसाद का लड़का। यानी आपकी नजरों में सारे नेता एक जैसे?
नहीं वो तो ठीक है जी, हम तो बीजेपी के साथ हैं। चलिए आप किसी के भी साथ हो, लेकिन जनता की समस्याओं की बात की जाए, पार्टी की बात छोड़ दीजिए, जनता तो हमेशा, जनता तो ठगी जाती है। मैं आज जनता टीवी के माध्यम से एक बहुत ही गंभीर विषय के बारे में, नारायणगढ़ के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारा नारायणगढ़ हिमाचल और यूपी से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, सटा हुआ है। यहाँ एक बहुत भारी समस्या है जिसके बारे में पिछले 2 सालों से लगातार धरने प्रदर्शन भी हो रहे हैं। इस रास्ते से पंजाब की तरफ से गौ तस्करी की जाती है और उस गौ तस्करी के बारे में लगभग हम डीएसपी, एसपी, आईजी, हर डिपार्टमेंट में एमएलए से कई बार मिल चुके हैं, जिसको कांग्रेस सरकार पिछले कुछ सालों से सिर्फ बढ़ावा दे रही है। उसके ऊपर रोक लगाने के लिए आज तक कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया, और अगर कांग्रेस सरकार ऐसा करने में असफल रही है तो उसका रिजल्ट उनको इन चुनाव में भुगतना पड़ेगा। रिजल्ट किसको भुगतना पड़ेगा, मैं और भी लोग हैं, और भी लोगों से जानने की कोशिश करता हूँ जी। हमारी कांग्रेस सरकार ने यहाँ पे पूरे हरियाणा के अंदर कर्मचारी रखे हैं लेकिन कच्चे, उनको पक्का आज तक नहीं किया। वादे किए हैं कि उनको पक्का कर दिया जाएगा, नोटिस दिया है। यहाँ के विधायक ने यहाँ के लिए क्या किया? यहाँ के विधायक ने तो हमारे नारायणगढ़ के लिए बहुत सी ऐसी सुविधाएं भी दी हैं जो यहाँ पे पहले नहीं थी। जैसे एक पार्क है जो नारायणगढ़ को बहुत जरूरत थी, जो ये हमारे विधायक रामकिशन जी ने जो पार्क दिया है वो आज तक किसी ने नहीं दिया था। लोग वहाँ पे सैर करने जाते हैं और अब शाम को बच्चे भी खेलते हैं, सारा का सारा, यानी कि हमारा पूरा नारायणगढ़ इकट्ठा होता है वहाँ पे। यानी विधायक ने काम किया यहाँ पर, काम किया है सर, काम किया है उन्होंने यहाँ पे। रोड भी अभी जो काम लगा हुआ है, पेड़ वगैरह कट रहे हैं, रोड भी चौड़ा होने वाला है आने वाले टाइम में, वो भी चौड़ा होगा एकदम। रोड बनवाए, अस्पताल, अच्छे अस्पतालों में काम, अस्पताल में भी काम है, पर थोड़ा और जरूरत है सर, अच्छा काम होने की जरूरत है। हाँ जी सर। चलिए, कुछ लोग कहते हैं कि विधायक ने काम किए हैं, बेहतर काम किए जी। यहाँ की सबसे गंभीर समस्या स्वास्थ्य सेवाएं की समस्या है। अब लोग कहते हैं कि पार्क में घूमने जाएंगे लोगों की, अभी परसों यहाँ पे बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ है और लोग अपने पेशेंट को लेके सीधे या तो अम्बाला गए या जगाधरी गए या सीधे पीजीआई गए। यहाँ पे किसी ने अभी इसको अपने गंभीर पेशेंट को एडमिट नहीं कराया, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ इतनी ज़्यादा भयंकर स्थिति में है। पिछले 10 साल से यहाँ पे एक भी मशीन नहीं आई है, मशीनें नहीं है, अस्पतालों में बहुत ज़्यादा कमियाँ हैं जी। विधायक ने कुछ किया नारायणगढ़ के लिए? मैं इसके बारे में, विधायक ने जो भी किया है वो अच्छा किया है, लेकिन इससे जो पूर्व वाली सरकारें हैं आज तक किसी ने नहीं किया। बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छे काम किए यहाँ के विधायक ने जी। सर यहाँ पे खाली कागजों में विकास हुआ है, इसके अलावा यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। उड्डा सरकार ने हमारी 10 साल के शासनकाल में पूरी एक जनरेशन खराब कर दिया है, और अब तो कांग्रेस सरकार से जनता को कोई उम्मीद भी नहीं है। उम्मीद नहीं है जी, विकास न होने से जनता में रोष और नैम श्रेणी में जनता दिखा रही है संतोष। चलिए जी, यहाँ के विधायक के बारे में लोग कहते हैं काम किया, कुछ लोगों को नजर नहीं आता, आपको नजर आता है? नहीं, कोई काम नहीं कर रहा जी। लोग कह रहे हैं कि पार्क बनवाए, सड़कों का काम किया, अस्पतालों में काम किया। मैंने तो अभी कल परसों यहाँ बस पलटी थी, अस्पताल में एक रूई के पोहे और कागज, उस जो पट्टी बांधते हैं, और एक खाली ग्लूकोज की बोतल से कुछ भी नहीं था जी। यहाँ पे रामकिशन ने कोई काम नहीं कराया जी, जितना भी काम हुआ अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में काम हुआ, उसके बाद कोई कांग्रेस ने आज तक कोई काम नहीं किया। तो बहुत पीछे चले गए आप लोग, इसका मतलब बहुत साल हो गए। हम पिछले साल हमारे यहाँ मंडी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे, वो बोल रहे थे हमने ये विकास किया। कुमारी शैलजा हमारी सांसद थी, वो स्टेज में खड़े हुए गए, हुड्डा साहब आप कागजों में सिर्फ पत्थर लगाए हैं, काम कोई नहीं हुआ। चलिए, नेता बहुत सारे आते हैं, कहते हैं कि आपके लिए काम करेंगे, आप लोगों के लिए कुछ मिलता है नेताओं के जरिए? विधायक, सांसद, अब विधानसभा चुनाव है, विधायक आएंगे, उम्मीदवार आएंगे, विधायक आप लोग बनाओगे, तो कुछ उम्मीद है नेताओं से या सारे नेता एक जैसे? हमको सब जी, हमको हमारे हिसाब से सब एक सर है जी, सब एक जैसे, एक जैसे हैं जी, हम तो करते भूल जाते नहीं जी, हमारे सब वादे ठीक। यानी बड़ा गजब किया जो तुम्हारे वादों पर यकीन किया, लोग ये भी कहते हैं कि बड़ा गजब किया जो तेरे वादे पर यकीन किया, नेताओं के वादे पूरे नहीं होते। कांग्रेस पार्टी ने तो कुछ ही नहीं किया है अभी तक, कांग्रेस पार्टी ने किया है? नहीं, कुछ नहीं किया जी, कुछ नहीं किया, झूठे वादे करते हैं कांग्रेस पार्टी। कह रहे थे कि हम आज 24 घंटे लाइट कर देंगे, यार 24 घंटे लाइट भी नहीं की जी। कोई काम नहीं हुआ यहाँ, एमएलए ने कुछ नहीं कराया, रामकिशन ने। एमएलए ने वादे क्या क्या किए थे, क्या क्या वादे किए थे करने के लिए? मैंने बताया वादे पूरे अंदर कुछ नहीं किया यहाँ, कुछ नहीं अंदर जी, कुछ नहीं किया। एमएलए के वादे याद हैं आपने, क्या क्या वादे किए थे एमएलए? उन्होंने बोला रेल की पटरी बनवाएंगे यहाँ पे, नहर लेके आएंगे, अब तक तो आई नहीं, ना नहर बनी कोई जी, ना नहर लेके आए, ना पटरी लेके आए, डॉक्टर डॉक्टर नहीं है, क्या काम किया? कुछ नहीं काम किया जी। कोई रेल की सीटी सुनना चाहते हैं, लोग कह रहे हैं कि रेल की सीटी सुनना चाहते हैं, लेकिन वो सुनाई नहीं देती, नहीं सुनाई दे रही है। कारण की देखिए, जो भी विकास हुआ है वो रोहतक
जींद सफीदो एरिया में हुआ है, यमुनानगर नारायणगढ़ इस एरिया में कभी भी नहीं हुआ। अगर वो थोड़ा ध्यान इधर भी देते ना तो आज नारायणगढ़ अम्बाला ये भी ग्रोथ करता जैसे रोहतक और जींद एरिया ग्रोथ किया हुआ है। जी नारायणगढ़ अम्बाला कैसे ग्रोथ करता, किस तरह से विकास होना चाहिए, आपके पास क्या सुझाव है? विकास क्या करेगा जी, विकास नारायणगढ़ के लिए विकास, एम्बुलेंस नहीं है जी अस्पताल में है, सारे जितने भी यानी कि जो मरीज थे जी एक्चुअली पैकेज है, विकास हो सकता है। शिक्षा की भी नहीं है जी यहाँ पे, रिश्वत लेके यानी कि सारे काम हो रहे हैं जी, जो भी यानी कि एमएलए है किसी काम के लिए नहीं है। कुछ समय पहले यहाँ पे नारायणगढ़ में हॉस्पिटल में बस के जो मरीज आए थे उनके लिए एम्बुलेंस का विकास भी नहीं है, यानी कि यानी विकास हुए विकास नहीं हुए। मेरे साथ मेरे सहयोगी विक्रम भी हैं, विक्रम यहाँ से रिपोर्टिंग करते हैं जनता टीवी के लिए। विक्रम कुछ लोगों को नजर आते हैं हर जगह की बात है, कुछ को बिल्कुल नजर नहीं आते, आपके नजरिए से देखना चाहूँ तो नारायणगढ़ को बहुत बेहतर तरीके से आप समझते हैं, नारायणगढ़ की तस्वीर क्या है आपकी नजरों में? देखिए नारायणगढ़ में अब तक 10 साल के जो मैंने उसमें देखा है